हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेवीज बॉक्स। आज हम बनाएंगे ये तीखी सी चटपटी सी पापड़ी चाट। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और राइट हैंड साइड पर ये बेल आइकन शो होने लगा है इसे क्लिक कीजिएगा, फिर ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। चलिए घर में ये एकदम चटपटी सी बढ़िया सी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ 3 बाउल, जो घर में नॉर्मल बाउल होती हैं, उनसे मैदा ले ली है और आधा कटोरी सूजी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इन सब इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा ली है और यहाँ पर 50 ग्राम मैंने सूजी ली है। देखिएगा इस तरीके से मसलते हुए, आप इस तरह से लड्डू सा बना के देखिएगा, अगर ये बन जाता है तो आपकी मैदा बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिएगा इस तरीके से इसमें जो घी है वो एकदम परफेक्ट है, आपका भी इसी तरीके से बनना चाहिए। और इस सब इंग्रेडिएंट को आपस में हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, और पानी की हेल्प से डो लगाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से, ध्यान रखिएगा ये जो सब हमारी इसमें रिफाइंड है, अजवाइन है, नमक है, आपस में अच्छे से मिल जाना चाहिए। और एक हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिएगा इस तरीके से। हमने ये डो बनाकर तैयार कर लिया है और इसे 15 मिनट के लिए हम अलग रख देंगे ढककर। 15 मिनट के बाद देखिएगा सरफेस पर इस तरीके से ऑयल ग्रीस कीजिएगा, और वो जो हमारा डो था उसमें से मैंने थोड़ा सा पीस ले लिया है डो का, और इसको हम फैलाएंगे अपने सरफेस पर। वैसे तो पापड़ी छोटी छोटी लोई बनकर बिलकर बनती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक साथ बहुत सारी पापड़ी बनाना सिखाऊंगी कम मेहनत से। इसको बिल्कुल इकसार और एकदम पतला सा बेल लेंगे हम, देखिएगा इस तरीके से। देखिएगा बिल्कुल इकसार बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पर फॉक की हेल्प से इस तरीके से मार्क लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो पापड़ी होगी फूलेगी नहीं। तो इस तरीके से सारे में आप जितना भी आपका ये तैयार हुआ है इस पर आप मार्क लगा लीजिएगा, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, हम एक ढक्कन लेंगे, देखिएगा इतना बड़ा मैंने ढक्कन लिया है, और इससे इस तरीके से हम पापड़ी तैयार करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से, इससे हमारी बहुत सारी पापड़ी एक साथ तैयार हो जाएंगी। देखिएगा है ना कितना इजी। इसी तरीके से हम सब में मार्क लगा लेंगे और हमारी ये पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिएगा हमारी ये पापड़ी इतनी बड़ी रहनी चाहिए और एकदम पतली है। इसी तरीके से हम सारी पापड़ियाँ इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिएगा कितनी सारी पापड़ी हमारी एक बार में ही बनकर तैयार हो गई हैं। और अब इन पापड़ियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर आप ऑयल चढ़ा दीजिएगा और एक एक करके अपनी पापड़ी उस ऑयल में डालिएगा। तरीके से फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी गैस की,
और अलट पलट कर अच्छी तरीके से हम इसे सेकेंगे। अच्छा डार्क कलर आ जाएगा तब तक हम इसे सेकेंगे। पापड़ी बनाने में हमें अराउंड 2 से 3 मिनट लग जाती हैं। देखिएगा इस तरीके से कीजिएगा, देखिएगा ये हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। बाकी भी हम पापड़ी को अच्छे से फ्राई कर तैयार करके एक साइड रख लेंगे। इन पापड़ी को हम अराउंड 1 महीने तक रखकर खा सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो बस पापड़ी लगाइएगा और खा लीजिएगा। ये भी तैयार हो गई हैं। सबसे पहले ठंडी होने के बाद इन पापड़ी को एक प्लेट में लगाइएगा, उस पर फैटा हुआ दही लगाइएगा इस तरीके से। खूब सारा दही आप इस पर लगाइएगा फैटा हुआ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीने की हरी चटनी। धनिए पुदीने की चटनी हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं 6 महीने तक, ये भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ये देखिएगा। अब हम लगाएंगे इमली की चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है ना, जो हम दही भल्लों पर भी लगा के खाते हैं, वही वाली है ये। अच्छे से आप इस पर लगा लीजिएगा। और अब हम इस पर डालेंगे अपना थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक अराउंड। और तीखा बनाने के लिए इस पर डालेंगे हम लाल मिर्ची, एकदम चटपटी सी चाट बनानी है ना। और अब हम डालेंगे इस पर चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और अपनी भुजिया, आलू भुजिया होती है ना वो वाली। और बस इस पर अच्छे से हम इस पर आलू भुजिया लगाने के बाद इस पर डाल देंगे थोड़ा सा अनारदाना, जिससे खाने में भी टेस्ट आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी हमारी ये चाट। और लग रही है ना कितनी अच्छी सी, आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। तो ज़रूर बनाइएगा आप ये पापड़ी चाट और देखिएगा ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, एकदम बढ़िया सी चटपटी सी पापड़ी चाट। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पापड़ी चाट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंजॉय कीजिएगा ये पापड़ी चाट।